नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारतीय समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष आज तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों का कहना है कि एसडीएम सिकंदराबाद बिना उनसे वार्ता की और अपने ऑफिस को छोड़कर निकल गए। किसानों का कहना था, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था लेकिन बिना वार्ता करे तहसील परिसर छोड़कर चले गए। वहीं किसान नाराज होकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब तक एसडीएम सिकंदराबाद वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में कर्मचारियों को निकाले जाने के संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को कंपनी प्रबंधक से करनी थी वार्ता। कंपनी प्रबंधक की ओर से आश्वासन नहीं मिलने के बाद किसान एसडीएम सिकंदराबाद से मिलने पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सिकंदराबाद तहसील परिसर में अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। मैं पवन तेवतिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत से। अभी लॉकडाउन के नाम पे एक कंपनी है सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया में, दा इंदौर प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने करीब 24-25 लोगों को, जो करीब 24 साल से कार्यरत थे उस कंपनी के अंदर, लॉकडाउन के नाम पर निकाल दिया। लॉकडाउन में छुट्टी थी जो 2-2.5 महीने की, उस समय से उनकी बहाली नहीं करी गई और ना ही उनको कोई मेहनताना मिल रहा है और ना ही उनकी जो रॉयल्टी और ग्रेजुएटी बनती थी वो अभी तक मिली है। इस संबंध में हमने 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और एसडीएम साहब से कहा था कि आप लेबर वालों को और कंपनी वाले लोगों को बुला लो और बैठ के वार्ता होके इन लोगों को कार्य पे रखवा दीजिए, इन पे रोटी रोजी का संकट मंडरा रहा है। आज हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गए, लेकिन जो एसडीएम साहब का रवैया देखने को मैं आया है, एसडीएम साहब का रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया रहा है। ना ही तो हमारे बीच में एसडीएम साहब उपस्थित हुए और ना ही इन्होंने किसी भी सक्षम अधिकारी को हमारे बीच में आने दिया। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। अयोध्या में रौनाही स्कूल जा रहे परमहंस आचार्य को किया गया हाउस अरेस्ट। फैज ए आम मुस्लिम इंटर कॉलेज से 2 छात्रों के नाम काटने का मामला। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय पहुंचकर की मामले की जांच। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र पांडे का बयान, बच्चों के बीच धार्मिक चर्चा के बाद बच्चों में हुआ था विवाद। स्कूल प्रबंधक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को किया था निष्कासित। स्कूल का माहौल हो रहा था खराब। एक छात्र मानवेंद्र सिंह ने दोबारा नाम लिखाया, दूसरे छात्र सौरभ यादव ने नाम लिखाने से किया इनकार। जिला विद्यालय निरीक्षक की अपील, इस मामले को धार्मिकता से न देखें, केवल बच्चों में हुआ विवाद है। के रौनाही में एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया विद्यालय जिसमें मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की जा रही थी, उसमें 2 देशभक्त बच्चे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, अपना प्रताप की चर्चा करने लगे तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं बड़ा आहत हुआ। अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही मैं निकलने लगा तो प्रशासन ने बताया कि उस पर जाँच चल रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है। और अयोध्या के
के फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन द्वारा सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत एक फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त तक घर घर व दुकानों पर तिरंगा लगाने की बात हुई और स्वतंत्रता दिवस को लेकर कैसे आज़ादी मिली उस पर चर्चा की गई और सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अभी आनंद ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन द्वारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जिले की समस्त दवा की दुकानों व उनके निवास पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, इसलिए आज ये बैठक में सभी को ध्वज वितरण किया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक फैजाबाद की समस्त जिले के समस्त दवाई की दुकानों पर व उनके निवास पे राष्ट्रध्वज लगाया जाएगा, इसलिए आज सबको ध्वज वितरण यूनियन की तरफ से किया गया है, जिससे वो अपने प्रस्थित स्थान और अपने निवास पे राष्ट्रध्वज लगा सकें और राष्ट्र के प्रति अपना कर्ज थोड़ा सा उतार सकें। आपके बीच नगर विधायक, लेबर कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर, ये 3 पदाधिकारी थे शहर के और हमारे यूनियन के सारे कार्यकारिणी सदस्य और सारे पदाधिकारी दिवस से पूर्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है 75वें अमृत महोत्सव में कि हम लोग हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, तो आज फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिसने हमेशा हर कार्यक्रम में अगुवाई की है। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा कैलबाड़ा में समरानिया से नारायण खेड़ा गांव को छोड़ने वाली सड़क निर्माण के 2 माह बाद ही उखड़ने लगी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो राहगीरों के लिए परेशानी बन रहे हैं। सड़क को देखकर लगता है कि सड़क में लगाई सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिससे सड़क की साइडें उखड़ कर सड़क किनारे एकत्रित हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आंसू मेहता, हरिओम, गोपाल, पन्नालाल, दिनेश मेहता, सैलू, बंटी ग्रामीणों का कहना है कि करीब 5 साल के इंतजार के बाद सड़क का निर्माण किया गया था जो मात्र 2 महीने में ही पूरी तरह से उखड़ गई है। आगे बताया कि सड़क निर्माण के दौरान हमने कई बार संबंधित ठेकेदार को अवगत कराया, लेकिन ठेकेदार मनमानी करता रहा। नतीजा ये है कि सड़क में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मरम्मत नहीं कराकर सड़क का पुनर्निर्माण कार्य किया जाए, अन्यथा सड़क के दोबारा टूटने की संभावना बनी रहेगी और इस तरह की लापरवाह ठेकेदारों के प्रति कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि अन्य जगह इस तरह की घटिया निर्माण ना हो सके। समस्या ये है साहब, 2 महीने पहले निर्माण करा था ठेकेदार ने, तो करकर वो तो चले गए, गाँव वालों ने बोला भी उनको इसका ठीक से निर्माण करो, लेकिन अब 2 महीने में आप हालात देख सकते हो कैसे हैं, पूरी सड़क उखड़ चुकी है, जगह जगह खड्डे पड़ गए। तो आपकी मांग क्या है? मांग ये है साहब कि ये फिर से इसका निर्माण किया जाए, दोबारा से उखाड़ के या इसको मरम्मत की जाए। जब सड़क निर्माण चल रहा था तो उस टाइम ग्रामीणों ने ठेकेदार से कहा? गाँव वालों ने कहा, जब देखते रहे, उनकी कोई बात मानेगा तो वो क्या कहने, उनसे कहने का मतलब भी जाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि ठेकेदार ने उसके हिसाब से काम किया? हाँ। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। उत्तर प्रदेश के बरेली में महेंद्र सिंह निवासी खेड़ा थाना टांडा जिला रामपुर का रहने वाला है।
एडीजी से अपनी जांच स्थानांतरण करने की गुहार लगाई है। महेंद्र सिंह ने अपनी बेटी की शादी पुनीत पुत्र प्रवेश कुमार निवासी मझोला मुरादाबाद के साथ 21 फरवरी 2022 को की थी। शादी के बाद से ही महेंद्र की बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। महेंद्र सिंह ने थाना मझोला जनपद मुरादाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें अभियुक्त की बेटी के पति और प्रवेश कुमार को 7 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक दिन बाद ही थाने से छोड़ दिया गया था। अभियुक्त को भी थाना मझोला पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पुलिस हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है, जिस कारण मुकदमे में लंबित विवेचना अभी तक पूरी नहीं की गई है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा रही है। मृतका का फर्जी सुसाइड नोट भी इन लोगों ने तैयार कर लिया था और उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो फैसला कर ले, नहीं तो हम तेरे अन्य बच्चों को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। मजबूर होकर महेंद्र सिंह आज एडीजी के दरबार में पहुंचा और अपनी बेटी के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और विपक्ष न्याय दिलाने की मांग की है तथा विवेचना भी स्थापित करने की मांग की है। मले में लड़की के लिए गया था तो किसी प्रशासन ने मुझे सुसाइड नोट नहीं बदलाया था। इसके कारण मैंने जो सुबह को पेपर में देखा था सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट जो मैं फर्जी है वो दबाव में दरार धमका करके मेरी लड़की को लिखवाया था। उनकी लड़की दीप्ति शिवाली पुनीत संदेश कुमार ये सब मेरी लड़की को दरार धमका करके टोर्चर किया करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मेरी लड़की की हत्या कर दी गई। प्रताड़न करते थे बीच में भी, जिसके कारण मैं ऐसा मत करो बोलने लग रहे हैं, जिसके कारण मैं जो था साहब मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम पुनीत कुमार। क्या करते हैं ये? ये बिजली का रीडिंग निकालते हैं मुरादाबाद में। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 21 फरवरी 2022 को। थाने में शिकायत की थी इसको लेकर? मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके कारण जो है मुलजिमों को दोनों बाप बेटों को पकड़ करके 2-4 दिन के बाद ही छोड़ दिया गया था। अब वो खुले में घूम रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के मेरठ थाना भावनपुर क्षेत्र के ग्राम हसनपुर कदीम में थाना पुलिस को चोरों ने खुलेआम चुनौती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से लाखों का सामान दुकान में कुंबल कर पार कर लिया है। गढ़ रोड स्थित कृष्णा ट्रेडर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ये दुकान हसनपुर चौकी से 10 कदम की दूरी पर है। बीती रात चोरों ने दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। इसकी शिकायत दुकान स्वामी ने हसनपुर चौकी प्रभारी को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। देश में बनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 5 लाख घरों वाले इस जनपद में 4,45,000 झंडे फहराने का लक्ष्य है। इसको लेकर स्वयं सहायक समूह की मदद से बड़े पैमाने पर झंडे का निर्माण अपने आखिरी पड़ाव में है। जिले के ब्लॉकों पर इन झंडों के बांटने और बिक्री का कार्य भी शुरू हो चुका है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि शासन के निर्देश पर घर घर तिरंगे के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 4,45,000 झंडों के फहराने का लक्ष्य है, जिसको लेकर 2,45,000 विभिन्न साइज के झंडों को स्वयं सहायक समूह के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है, जबकि 2 लाख झंडे उद्योग विभाग तैयार करा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा इस कार्यक्रम के तहत झंडा रोहण के साथ साथ देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी इन दिवसों में प्रस्तावित है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और ये जो 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर
जो हमारा कार्यक्रम है हर घर तिरंगा का, हर घर तिरंगा के तहत के कार्यक्रम के तहत हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी घरों में झंडे फहराए जाए, और इसके लिए हम लोगों ने झंडे का निर्माण और उसके वितरण इत्यादि की व्यवस्था कराई है, और साथ में इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि झंडे को सम्मान पूर्वक फहराया जाए, उसका कहीं पर तिरस्कार ना हो, कहीं सबको उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। हम लोग को जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य मिला है 4,45,000 का झंडे का, क्योंकि यहाँ लगभग 5 लाख परिवार है, तो इस हिसाब से हम लोग को इतना लक्ष्य मिला है सरकार की तरफ से, जिसमें 2,45,000 के झंडे जो है वो झंडे हम लोग ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराए हैं, और यह विभिन्न साइज में उपलब्ध है। ये इसको हम लोग जो वितरण करा रहे हैं वो PDS शॉप से करा रहे हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से करा रहे हैं, और ब्लॉकों में भी इसके सेंटर लगाए गए हैं, तथा 2 लाख के जो झंडे हैं वो उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उसका भी विक्रय किया जाएगा, उसे भी कुछ नॉमिनल वैल्यू या कुछ नॉमिनल प्राइस लेकर उसको विक्रय किया जाएगा, और उसका जो राशि आएगी वो ग्राम पंचायत के फंड में रहेगी। आमतौर से जो 15 अगस्त को जो झंडे फहराए जाते थे, क्या इसमें कुछ तब्दीली आई है कि कब फहराना है कब नहीं? इस संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि इस बार का विशेष महोत्सव के रूप में है, तो इसके लिए झंडा एक्ट जो झंडा संहिता है उसमें परिवर्तन किया गया है, और यह परिवर्तन एक तो इस स्तर पर है कि निर्माण में जैसे पहले खादी की एक प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटाकर इसको अन्य जो मटेरियल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे उसमें पॉलिएस्टर है, कॉटन है, इस तरह की चीज़ों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर में लोगों को उपलब्ध कराया जाना है, तो एक तो निर्माण के स्तर पर है। दूसरा एक प्रतिबंध ये था कि जब भी हम लोग झंडा फहराते या झंडा रोहण करते थे तो शाम को उसको उतारते थे, तो इस बार इस बात की छूट दी गई है कि जो झंडे घरों में फहराए जाएंगे वो 11 से 17 के बीच में, उसे रात्रि में उतरवाने की आवश्यकता नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा 17 के बाद उतर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। राजस्थान के कोटा में फेडरेशन के स्थापना पखवाड़े के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन कोटा रीजन द्वारा पर्यावरण संरक्षण की भावना से RSC ग्राउंड में शगन पौधारोपण करते हुए ऋषभदेव वाटिका विकसित की। यहां पक्षियों के 100x100 के चुंगा स्थान का उद्घाटन किया। इस पर 4 फुट ऊंची जाली लगवाई गई। चुंगा रेस्टोरेंट के लिए 500 लीटर की टंकी भी रखवाई गई। यहां सवर शिवल पंप भी लगवाया गया। कोटा रीजन के अध्यक्ष उमेश जैन अजमेरा ने बताया कि मुख्य अतिथि पर्यावरण प्रेमी पवन जैन एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी आनंद राठी रहे। सचिव महावीर शाह ने बताया कि ग्राउंड की पथरीली जमीन को हरा भरा बनाने में अपना तन मन लगाने वालों को ग्रीन आर्मी के जवानों का भी सम्मान किया गया। जैन ने कहा कि यहाँ स्थल वास्तव में कोटा शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में अद्वितीय होकर विशाल ऑक्सीजोन का रूप ले चुका है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।
फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।